व्हीकल्स है वो यहाँ पर भारतीय सेना को प्रोवाइड किए गए हैं। ये फुली बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसमें कंप्यूटर भी है, जिससे कंट्रोल रूम में सारी रिकॉर्डिंग जाती है कि अगर आतंकी जो है एम्बुश लगाकर हमला करते हैं, सेना के वाहन को भी निशाना बनाते हैं, तो कैसे क्यूआरटी की ये बुलेट प्रूफ गाड़ी मौके स्थल पर पहुंचेगी। और इस गाड़ी की खासियत ये है कि इस गाड़ी के अंदर से फायरिंग भी की जा सकती है। हमने देखा कि इस गाड़ी की स्पीड जो थी वो हाई स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पथरीले रास्ते हों या ऊंची पहाड़ियों या घने जंगल हो, वहां पर भी ये गाड़ी जो है वो पहुंच जाती है। अभी तक तो हथियारों के साथ तो खात्मा होता ही है आतंकियों का, लेकिन अगर वाहन पर वो हमला करते हैं तो ये जो बुलेट प्रूफ वाहन है ये आतंकियों को निस्तेनाबूद करने में उतनी ही मदद देगा जितनी मदद हाई टेक्निक वेपन्स इन जवानों के हाथ में होते हैं। जवाबी कार्रवाई में आप देखिए दोनों तरफ से जो टुकड़ियां हैं सेना की वो यहाँ पर पहुंच रही हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर सेना के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंचे। और बुलेट प्रूफ गाड़ी जो फुली बुलेट प्रूफ है, जिसके अंदर कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके अंदर कंप्यूटर लगा है, जिससे कि ये पता लगाया जाता है कि किस तरीके से इस इलाके में अगर घुसे हैं तो जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को किस तरीके से निस्तेनाबूद करना है। ये वो गाड़ी है, मक्खन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। मक्खन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये हाई टेक्निक वेपन्स के साथ यहाँ पर जो है यहाँ से ये टीम हथियारों के साथ जा रही है। जीरो पॉइंट पे है और जीरो पॉइंट से आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के वो गांव जहां पर लॉन्चिंग पैड है वो बड़ी ही नजदीक है। और ये सेना के जवान किस तरीके से यहां से उन पहाड़ों पर जाते हैं जहां पर फेंसिंग है, और पाकिस्तान के वो गांव जहां पर अक्सर हमें खबर मिलती है, सुरक्षा एजेंसियों को ये इनपुट मिलता है कि वहां पर जो एरिया है जो इस पहाड़ी के, मैं मक्खन से कहूंगी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें, जो भारतीय सेना के जवान है ये धीरे धीरे जीरो पॉइंट से इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे और ऊपर फेंसिंग है, फेंसिंग के उस पार पाकिस्तान के वो गांव है जहां पर पाकिस्तानी लोग तो रह ही रहे हैं, साथ ही साथ लॉन्चिंग पैड है जहां से घुसपैठ की कोशिश होती है और एलओसी से इसी रास्ते से और घने जंगलों से होकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश को कामयाब करने के बाद यहां से अपने अलग अलग जम्मू के संभाग के अलग अलग इलाकों में जाते हैं और वहां पर अपनी नापाक कोशिश को अंजाम देते हैं। लेकिन भारतीय सेना के सतर्क जवान यहां पर डॉग स्क्वाड की टीम है, भारी भरकम हथियार है, हाई टेक्निक कैमरे हैं जिनके साथ अब आतंकियों पर नजर जो है उन्होंने बनाई रखी है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश जितनी ज्यादा हो सके नाकाम की जा सके।